मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला और दो सूत्रीय मांगों का ज्ञापन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि शहर मुरादाबाद के घनी आबादी के स्कूलों की एक साथ छुट्टी होने के कारण शहर के चौराहों पर जाम लग जाता है। इस चिलमिलाती धूप और गर्म हवाओं में बच्चों और उनके माता पिता शहरवासी जाम में फंस जाते हैं, गर्मी से परेशान बेहाल हो जाते हैं, पूरी तरह से शहर जाम हो जाता है। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस लगाई जाए ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। ये बताइएगा, आप जो ज्ञापन दे रहे हैं क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है शहर मुरादाबाद के अंदर घनी आबादी में जो स्कूल है वो जब छूट जाते हैं, चौराहों पे जाम लग जाता है, बच्चे बच्चियाँ और शहरवासी इस चिलचिलाती धूप में परेशान होते हैं। हमारी कप्तान साहब से मांग ये है कि इन चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस लगाया जाए ताकि जाम की स्थिति ना बन पाए। और एक हेलमेट जो शहर के अंदर लगते हैं, उस हेलमेट की बात की है। इस चिलचिलाती धूप में हेलमेट लगाना एक बड़ा काम है। हम ये चाहते हैं कि शहर के बाहर जो हेलमेट की सख्त चेकिंग हो, लेकिन शहर के अंदर चेकिंग से इसको राहत